अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम लोग अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं। और आज है नूर का बर्थडे व्लॉग का फाइनल डे, मींस के आज है फाइनली नूर का बर्थडे। तो हम लोग दोपहर को आए थे, मैं और फुजैल यहाँ गोरमे पर, और हम यहाँ से पिक करने आए थे नूर का जो केक हम लोगों ने ऑर्डर पे बनवाया था। तो अभी हम लोग घर आ गए हैं और मैं आपको घर आके इसकी लुक दिखा रही हूँ कि केक बहुत बहुत प्यारा उन्होंने बनाया था। और इसकी पिक्चर मैंने उनको ख़ुद दी थी कि मुझे इस तरह का केक चाहिए। नूर बानो पर माशाल्लाह कितना क्यूट लग रहा है लिखा हुआ। और ये केक जो था, इसका जो वेट था, ये 6 पाउंड्स का बना था केक। एंड माशाल्लाह बहुत ही क्यूट केक था, बहुत ज़्यादा। इसको देख के बहुत दिल को खुशी मिल रही थी। तो अभी शाम हो चुकी थी और मतलब के 4:30 का टाइम था, लाइट भी गई थी, लाइट बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। तो मैंने अपनी अब इस टाइम मैंने अपनी कुकिंग स्टार्ट की थी, क्योंकि हमारा डिनर के टाइम हमने सेलिब्रेशन करनी थी। तो साथ बस मैंने चावल जो हैं वो भिगो कर रख दिए थे 1 किलो, और मैं और फुजैल जो हैं यहाँ पर हम कर रहे हैं जो हमारी डेकोरेशन रह गई थी रिमेनिंग नूर के बर्थडे के लिए, तो हम लोग वो इस टाइम कर रहे हैं। थोड़ी सी हमने पहले से चेंज भी की थी, जो मेरे यूनिकॉर्न वाले बलून्स के थे वो सारे, जो येलो और हैप्पी बर्थडे वाले, वो सब एक साइड पर कर दिए थे, और दूसरी साइड पर रेड एंड ब्लैक की थीम हम लोगों ने कर दी थी। तो बस यहाँ पे देख रहे थे और सेट कर रहे थे और लगाते जा रहे थे, और इस टाइम भी लाइट नहीं थी, लेकिन मुझे था कि पहले मैं डेकोरेशन से फ्री हो जाऊँ और फिर उसके बाद मैं कुकिंग करूँगी। और मैं कुकिंग के लिए थोड़ा सा रिलैक्स इसलिए भी थी क्योंकि मैंने बहुत सारा काम जो है, समझ लें कि मैंने हाफ काम एक दिन पहले करके रखा हुआ था, तो इसलिए मैं थोड़ी सी रिलैक्स थी। सो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई, और ये वॉल बहुत ही क्यूट और बहुत डिसेंट लग रही थी, और घर में इसी तरह की अच्छी लगती है डेकोरेशन। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नूर हमारी 1 ईयर की हो गई है। और ये जो मैं लेकर आई हुई थी टेबल क्लॉथ, अब हम लोग ये भी यहाँ पे लगा रहे हैं, और इसको भी हम लोगों ने टेप के साथ सिक्योर कर दिया था क्योंकि फैंस चल रहे थे और फैन से बार बार ये उड़ता था, तो इसको भी सिक्योर कर दिया। तो जी, मैंने अब फ्री हो गई थी डेकोरेशन से, मैं और फुजैल, तो अब मैं अपनी आ गई थी कुकिंग की तरफ दोबारा से। और मैंने ना दोनों तरफ, एक तरफ मैंने कोरमा जो है ऑयल बस मैंने डाला और हल्का सा वो गर्म हुआ, तो मैंने उसमें कोरमे का जो चिकन सारा मैंने एक दिन पहले मैरिनेट करके रखा था वो सब डाल दिया मैंने, क्योंकि मैंने हर चीज़ इसके अंदर डाल दी हुई थी। वरना क्या होता, वरना मैं लहसुन अदरक डाल रही होती, स्पाइसेस डाल रही होती, हर चीज़ अलग अलग डाल रही होती, तो उसमें और ज़्यादा मुझे टाइम लगता। तो एक तरफ मैं इस तरह से रख दूँगी कोरमा पकने के लिए रख दूँगी, और दूसरी तरफ मैं रख दूँगी अपना बिरयानी का मसाला भी पकने के लिए रख दूँगी, बिरयानी का चिकन। इस तरह से मुझे बहुत हेल्प हुई थी, और जो रेसिपीज़ हैं मैंने सारी डिटेल रिकॉर्ड की हैं, तो वो रेसिपी आपको मिलेगी मेरे रिदा फुजैल व्लॉग्स वाले चैनल पे। मैं इस व्लॉग को अपलोड करने के बाद मैं वहाँ पे भी एडिट करके डाल दूँगी। और मैं अब यहाँ पर डाल रही हूँ बिरयानी का मसाला जो चिकन था, तो जैसे ही वो भी पकेगा तो बाकी की कुकिंग जो है वो भी साथ साथ होती रहेगी। और मैंने आप लोगों से एक दिन पहले ही मैंने आपको कह दिया था, लास्ट व्लॉग में भी कहा था, मैंने पोस्ट भी लगाई थी कि मैं आज लाइव आऊँगी, तो मैंने थोड़ा सा ये भी था मुझे कि टाइम काफ़ी हो रहा है और कुकिंग जल्दी जल्दी से हो जाए ताकि मैं टाइम पर लाइव आ सकूँ। और यहाँ मैं बना रही थी कचूमर सैलेड साथ में। अच्छा, आप लोगों का बहुत 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 थैंक यू, आप लोगों ने लाइव ड्यूरिंग लाइव आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए, और उसके बाद भी उस लाइव के ऊपर इतने व्यूज़ और कमेंट्स आ रहे हैं। आप लोग इतनी नूर को दुआएं दे रहे थे और इतना प्यार कर रहे थे, आपका बहुत थैंक यू। फुजैल आप कोरमे में से ले लो ना, ये बिरयानी का चिकन बन गया और फुजैल खा रहे हैं। फुजैल का लाजमी काम है इस टाइम टेस्ट करना। कोरमे का लेना वो भी ले लो। कैसा है? बहुत गर्म है, आपका मुंह जल जाएगा, हटो। मैं ना मुसलसल इतनी देर से किचन में खड़े काम कर रही थी, गर्मी अभी तक ख़त्म नहीं हो रही है और मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, लेकिन फाइनली बस मेरी कुकिंग हो गई थी ऑलमोस्ट।
अभी मैं सारे काम कुकिंग करके फ्री ही हूँ, लेकिन अभी राइस बॉईल हो रहे हैं, बिरयानी का दम लगाना है, लेकिन मैंने सब कुछ पका लिया है और मैंने अभी बस ड्रेस चेंज की है और मैंने कुछ भी फेस पे नहीं लगाया, सिर्फ वॉश करके आई हूँ, लेकिन मुझे इतनी स्वेटिंग हो रही है कि मैंने कोई मेकअप नहीं किया। अब मैं करने लगी हूँ नूर को तैयार और अभी आपको लाइट कम लग रही है, लाइट गई हुई है, अभी आने वाली है थोड़ी देर में, मैंने अभी लाइव भी जाना है और मैं जब लाइट आती है तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या कुछ पकाया हुआ है। और नूर माशाल्लाह से इतनी क्यूट है, नूर ना बच्चों की तरह ज़िद कर रही थी और फ्रॉक पहन ही नहीं रही थी, कह रही थी बस मुझे छोड़ो, और सब ने इतनी तारीफ़ की कल नूर के लिए, थैंक यू नूर, माशाल्लाह सच में बहुत बहुत प्यारी लग रही थी और नूर पे ये ड्रेस बहुत ही सूट किया था। तो आपको मैं अभी इसको तैयार करती हूँ, इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाती हूँ, और मैंने आपको दिखाया था मैं इसके लिए पिंस भी लेकर आई थी, लेकिन पिंस मैंने इसको लगाई तो थी, एक लगाई थी लेकिन ये फिर उतार देती थी, अभी भी देखिए कैसे जैसी फ़्रॉक पहने तो अपने आप को मुझसे छुड़वा कर भाग गई है, बहुत शरारतें कर रही थी, लेकिन नूर ने भी कल बहुत इंजॉय किया। नूरी वाह, नूरी के साथ मैच कर रहा है। यहाँ देखिए मैं इसको पिन लगा रही हूँ और लेकिन ये पिन लगा के बस अभी भाग जाएगी और फिर इसने फौरन ही अपनी पिन उतार दी थी, क्योंकि इधर इसके नूर के बाल इतने लॉन्ग नहीं थे सर के ऊपर, इसलिए पिन जो है ना ज्यादा स्टे नहीं कर पा रही थी। ये देखें जी, तो अभी मैंने लाइव ऑफ की है और ये है गिफ्ट, ये मेरी सिस्टर लेकर आई है, और मुएज़ा जब से गिफ्ट आया है ना तो मुएज़ा इसके पास ही खड़ी है, मुएज़ा का बस नहीं चल रहा कि देखें इसके अंदर क्या है ना मुएज़ा, मुएज़ा आपको इतना शौक है इसमें देखने का, अभी हम केक कटिंग करेंगे फिर दिखाएंगे मुएज़ा को, ओके बात देखें कैसे सुन रही है मेरी जी। तो लाइट आ गई है तो अब देखिए हमारी नूर को, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, और मेरी बहन आ गई थी तो वो आते हुए नूर के लिए गिफ्ट लेकर आई है, सो नूर यहाँ पे खड़ी है और हम नूर की वीडियोस बना रहे थे, पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे, शूट कर रहे थे, और देखिए वॉल कितनी प्यारी और डिसेंट लग रही है और कितने बलून्स तो मेरे इसमें से फट चुके थे, बर्थडे सेलिब्रेट करते तक ही इतने सारे फट गए थे। और जो जो लोग पूछ रहे थे कि नूर का ड्रेस कहाँ का है, तो नूर का ड्रेस मैंने एक ऑनलाइन पेज से मंगवाया था, बो पॉइंट से मंगवाया था, और बहुत कंफर्टेबल था और बहुत अच्छी स्टिचिंग बहुत अच्छी थी, क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा लगा हमें ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, इंशाल्लाह मैं इनसे और भी कपड़े मंगवाऊँगी अब अपनी कैट्स के लिए। बैठी हुई है नानो को, तो आपने पहले भी मेरे ब्लॉग में देखा है, और नानो के साथ नूर अब बैठी हुई है, और नूर ने ना दो तीन दिन से हम इसकी जो बर्थडे प्रिपरेशंस कर रहे हैं नूर फुल एंजॉय कर रही है, सारा टाइम हमारे साथ बैठी रहती है,
और हर चीज़ ऑब्जर्व करती है। सो अब हम लोग केक निकाल के ले आए हैं और केक को अब आप लाइट में देखें कितना प्यारा बनाया हुआ है उन्होंने। जैसे ही मैंने बताया था उन्होंने वैसा ही बनाया है, मुझे बहुत बहुत पसंद आया है केक। और अब हम लोग इसके बाद अब करेंगे नूर की केक कटिंग सेरेमनी, और पहले केक कट करेंगे और उसके बाद फिर हम खाना खाएंगे। मैंने और फजैल ने भी नूर के साथ हमने पिक्चर्स क्लिक की, मम्मा ने क्लिक की, नानू ने क्लिक की। अच्छा, जैसे मुझे और फजैल को प्यार है ना, वैसे ही मेरी फैमिली को भी बहुत ज़्यादा कैट से प्यार है, मेरी मम्मा को, मेरी नानों को। और नूर माशाल्लाह से सबकी बहुत लाडली है। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि नूर तो अल्लाह ताला का एक गिफ्ट है हमारे लिए, क्योंकि नूर का हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नूर सरवाइव कर पाएगी। नूर बड़ी भी होगी लेकिन अल्लाह ताला ज़िंदगी देने वाले, अल्लाह ताला ने उसको ज़िंदगी दी और हमारी जान है, और अल्लाह करे वो हमेशा हमारे साथ ऐसे ही रहे। चलो इसको दे दो, इनके हैं नूर का गिफ्ट, वो उधर उधर सोफे पे बिस्किट डाल कर ना इसको सोफे पर दो, मेरे पास बैठे नूर के बाप बड़ा पानी चाहते गले में, वो डाल के कितना खुश होता है, वो तो इतना मासूम है बैठा रहता था आराम से। ये क्या आया है मिस नोई के लिए? केक 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 के साथ रखना था। अब इसको चलाओ भी, ये देखो और भी चीजें अंदर और आई है नूरी के लिए। जेली दो ना नूरी को। हाँ जेली अभी देती हूँ, वो एक और लेके आओ, एक छुरी भी लेके आओ। ये तो सेम नूर का केक लग रहा है, नीचे से बटन नीचे रखना दीदी, चलेगा नूरी, वो एक और बाउल ले। तो नूर का गिफ्ट बहुत बहुत क्यूट, बहुत प्यारा आया था। मैंने बच्चों को भी बाद में निकाल के सबको दिखाया था, तो मैं आपको उसका रिएक्शन भी इस ब्लॉग के एंड में दिखाऊंगी। बहुत प्यारा हम लोगों को गिफ्ट लगा, और सब लोग पूछ रहे थे कि नूर के लिए स्पेशल क्या बनाया। तो नूर का स्पेशल तो यही है ना, आप ट्रीट्स खिला दें नूर को, बिस्किट्स खिला दें, चिकन खिला दें, और वो हमारी तरह स्पाइसी फूड्स तो खा नहीं सकती। तो अब हम लोग खाने का टाइम हो रहा था, तो यहाँ सबसे पहले तो एक प्लेट मैं नानो को बनाकर दे रही थी ताकि नानो इसके ऊपर ख़त्म दे दें, और फिर उसके बाद हम लोग खुद भी खाना खा लेंगे। अच्छा, मेरे यहाँ पे कोरमा भी रेडी है, आप देखें शक्ल कितनी अच्छी है, और ऑयल ज़्यादा मैंने डाला है क्योंकि जब दावतें होती हैं और इस तरह के देसी खाने होते हैं ना, तो उनमें ऑयल या बटर ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे कि मैंने अचारी हांडी बनाई है, उसमें मैंने बटर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। बिरयानी भी बहुत मज़े की बनी थी और खाने में बहुत बरकत पड़ गई थी। अभी मैं आपको खाने की फ़ाइनल लुक पीस दिखाती हूँ, और रेसिपीज़ बहुत मज़े की बनी थी, बहुत ज़्यादा आपके साथ शेयर करूँगी। कैट्स रिदा फ़ज़ैल व्लॉग्स पर शेयर करूँगी मैं आपके साथ, और आपको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत बहुत मज़े की बनी थी। अच्छा, पहले जब मैं दावत कोई करती थी ना, तो मैं डिफरेंट डिफरेंट कुजीन्स रखती थी, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा कि आज हम बिल्कुल देसी खाना रखते हैं अपना।
तो मैंने आज सब कुछ जो है ना देसी डिशेज जो हमारी टिपिकल पाकिस्तानी डिशेज हैं मैंने वो आज बनाई हैं। यहाँ पे दो बाउल्स में मैंने सर्विंग की थी चिकन कोरमा की और ये है मेरी अचारी हांडी और ये तो इतनी मज़े की थी कि आप अगर इसको एक दफ़ा बना के खाएंगे आपको यकीन नहीं आएगा आपने घर में खाई है और आप किसी के आगे भी रखेंगे वो कहेंगे आपने किसी रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया है, किसी बड़े रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया आपने। सो यहाँ मेरा कचूमर सैलेड बन गया था, ये थे दही वाले बैंगन और कोरमा। अच्छा दही वाले बैंगन भी बहुत बहुत मज़े के बनते हैं, मैंने रायता नहीं बनाया था क्योंकि दही वाले बैंगन थे तो वो एज अ रायता हम लोगों ने खाया था और कचूमर सैलेड बिरयानी वगैरह के साथ बहुत मज़े का लगता है। और साथ में मेरी थी ये अचारी हांडी, बहुत सिंपल बहुत मज़े की रेसिपी बहुत ज़्यादा। और ये है मेरी बिरयानी, जूसी सी मज़े की बिरयानी। तो बस अब हम लोग खाना लगाएंगे और खाना खा लेंगे। और नूर की बर्थडे माशाल्लाह बहुत अच्छी गई थी, बहुत अच्छी, मफ़िन की भी बहुत अच्छी थी, मफ़िन से भी ज़्यादा अच्छी नूर की बर्थडे हुई है। बस टेबल पर हम लोगों ने खाना लगाया है और अब सब बैठ के खाएंगे। और मुझे इस तरह की ना फैमिली गैदरिंग्स का बड़ा मज़ा आता है, बहुत इंजॉय करते हैं जब सब मिल के खाना खाते हैं। और मैंने तो अपनी लाइफ में इतनी कुकिंग की है, इतनी दावतें मैंने की है ना कि मैं अकेली अब सब कुछ संभाल लेती हूँ और सब कुछ कर लेती हूँ। बहुत मैंने दावतें की हैं अपने ना लाइफ में, बल्क क्वान्टिटी पर भी मैं खाना आराम से बना लेती हूँ, मुझे अब इतना एक्सपीरियंस हो चुका है। साथ में रोगनी नान हम लोगों ने लगवाए थे क्योंकि इस तरह की डिशेस के साथ रोगनी नान जो है वो बहुत मज़े के लगते हैं और खाना यकीन करें बहुत ही टेस्टी कल का बना था। खाने के बाद हम लोगों ने चाय बना ली थी और चाय के साथ मैंने अब केक सर्व किया था। पहले केक कट तो कर लिया था लेकिन खाया नहीं था तो अब हम लोग केक सर्व कर रहे थे। बहुत बड़ा केक था और जो फ्लेवर था ये था किट कैट फ्लेवर में, ये बॉन विवांट का केक था और ये किट कैट फ्लेवर में था। केक भी बहुत मज़े का था और प्रेजेंटेशन एवरीथिंग वाज सो गुड। अब हम अपने बच्चों को दिखा रहे हैं नूर का गिफ्ट और बच्चे इतने हैरान और परेशान हो रहे थे कि ये क्या है, ये कौन सी न्यू चीज़ हमारे घर आ गई। अब सबके रिएक्शंस देखे हैं। लाओ वो खुद ही लाएंगे, खुद ही मैंने इतनी बेदर्दी से ना मारे। दूरी कैसे देख रही है उसको, और अब महजा का भाई टॉफी भी आ गया है उसकी आवाज़ सुन के, वो भी फुल इंटरेस्ट ले रहा था। नूर को देखे, नूर इतना इंटरेस्ट ले रही थी और डर भी उससे बहुत ज़्यादा रही थी। सब बच्चों के लिए न्यू चीज़ थी और सब सोच रहे थे कि पता नहीं ये हमारे घर में क्या आ गया है। बहुत इंजॉय किया बच्चों ने इसके साथ भी। और बस आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी, आई होप आपने बहुत इंजॉय की होगी। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।